शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिक फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा, समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। 400 साढ़े 400 रुपए से कभी ऊपर नहीं गया कांग्रेस के रिजिम में, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरीके से उन्होंने जनता के ऊपर कुठाराघात किया है, ये 1 रुपया बढ़ने के बाद गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल पे ये पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा करके पूरे हिंदुस्तान बंद करा दिया करते थे। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि 150-150 रुपये एक साथ बढ़ाने के बाद पब्लिक का जिस तरीके से शोषण कर रहे हैं, वो पब्लिक अब जाग चुकी है और इनसे हिसाब लेगी अपना। ये स्मृति ईरानी जी जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजा करती थी, तो मैं तो ये कहूँगा अपनी महिलाओं से कि उनके लिए साड़ी और चूड़ियाँ ना भेज करके उनके लिए ऐसी चीज भेजें जिससे कि उनको अंदर से खिलानी पैदा हो और वो समझे कि बात समझ पब्लिक का दर्द क्या होता है। 150 रुपये बढ़ने के बाद महंगाई अब बढ़ रही है, पहले महंगाई बढ़ी थी। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से जो बौखलाई हुई सरकार, जिसमें दिल्ली में इनकी हार हुई है, तो बौखला कर ये कुछ नहीं कर पा रही है, तो महिलाओं से क्यों बदला ले रही है? यानी गैस सिलेंडर इतने बढ़ा दिए, जो 450 का कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर था वो इन्होंने 880 रुपये का कर दिया है। हमारे मांग है ये बढ़ोतरी वापस ली जाए, वरना हम सड़कों पर जाकर आंदोलन करेंगे, महिलाएं ईंट से ईंट बजा देंगी और हम अपनी मांग पूरी करा के रहेंगे। ये जो सरकार है पॉलिसियां हैं और ये सरकार खुदी धारी भी है, ये जनता की आवाज को नहीं सुनती, ये अपनी मनमानी करती है, रेडियो पे अपने मन की बात करती है, जनता के मन की बात ये सरकार सुनने वाली नहीं है। देश की जनता ने इनको जवाब देना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे ये देश को पूरा भगवा करने जा रहे थे, अब धीरे धीरे वो भगवा का कलर लोगों के दिलो दिमाग से उतरता जा रहा है। लोग इनकी पॉलिसियों को समझ चुके हैं, क्योंकि अब इनके पास कहने को आए हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सारे फार्मूले इनके फेल हो चुके हैं, अब इनका कोई फार्मूला चलने वाला नहीं है। इनकी विदाई निश्चित है, 2022 में यूपी से इनकी विदाई होगी, 2024 में केंद्र से इनकी विदाई होना है। देखिए मुद्दे तो बहुत से हैं और आज जो मुद्दा है वो महिलाओं की लड़ाई है। महिलाओं की जेब में जो डाका डाला जा रहा उसको रोकने की कोशिश है, जहां हम इस आंदोलन इनको चेता कर महिलाओं के संग जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके गैस उनकी रसोई पे जो डाका डाला जा रहा है मोदी जी के थ्रू, और अपने जो उद्योगपति मित्र हैं पेट्रोलियम के उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये जो है ये उसको जो है ये अपना फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और देश की महिलाओं देश के परिवारों के लिए काम नहीं कर रहे, तो इसको लेकर हम जो है ये अपना एक संदेश उनको देना चाहते हैं जनता की तरफ से, महिलाओं बहनों की तरफ से, कि इनकी रसोई को खराब मत करिए। बहुत उत्पीड़ित हो चुकी है आपसे, पहले भी इन महिलाओं ने अपनी जेब का पैसा जो दबा हुआ छुपा हुआ था उसको आपके उस खेल से निकाला जो आज तक वो उससे उबर नहीं पाई है।